स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक हम पानी बचाने के तरीके हम लोग पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने पानी को किस तरीके से हम मिनिमाइज़ करके यूज़ करके उसका हम पानी को बचा सकते हैं। आज हम जानेंगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के बारे में, यानी कि जो रेन वाटर होता है या आपके आसपास रन ऑफ वाटर होता है, इसे आप किस तरीके से स्टोर करेंगे, साथ ही साथ इसका मैक्सिमम यूजेस के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो पीपल हैव बीन ट्राइंग टू सेव वाटर सिंस एंशिएंट टाइम एज वाटर इज प्रीशियस फॉर लाइफ। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी कि ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने रिकॉर्ड किया था बट आवाज़ के कारण वो नहीं हो पाया, और इसकी PDF यही अवेलेबल है, इसलिए मैं ज़्यादातर आपको इसको समझाऊंगा इसे ही। तो आप ये जो लाइन से इसका आप ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे आपके लिए। सो पार इज़ अ कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन वेस्टर्न राजस्थान रीजन। इट इज़ अ मोर कॉमन प्लेस ऑफ रेन वाटर फ्लोज फ्रॉम द कैचमेंट एरिया एंड परकोलेट्स इन टू द सैंड सॉइल इन ऑर्डर टू एक्सेस परकोलेटेड वाटर रॉ वेल्स आर डग्ड इन द स्टोरेज एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तो हम जान गए। ठीक है, अब वाटर को बचाने के दो तरीके हमने देखे। एक तो आप वाटर को रिड्यूस कर दो उसका यूज़, दूसरा आप उसको हार्वेस्ट यानी कि बचा सको। तो पुराने ज़माने से ही ये सिस्टम बचाने का चल रहा है। सो पुराने ज़माने में को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनली किस तरीके से पुराने, जब हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, वो लोग किस तरीके से पानी बचाते थे, या जो जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी तब लोग किस तरीके से पानी बचाते थे, और आज की कंडीशन में जब हम मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम पे हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी हम लोग वाटर को बचाने में यूज़ कर रहे हैं, वह हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम हमारे आगे है पार सिस्टम। पार सिस्टम दैट मीन्स दैट पार क्या होता है, क्या आप सिंपल सा ये समझिए कि अपने आसपास के हम क्या करते हैं कि एक गड्ढा बना लेते हैं, और पूरे एरिया का आपके जो आपका कैचमेंट एरिया है जितना बड़ा आपका, वो पूरा वाटर उस गड्ढे में आकर स्टोर हो जाता था। अब वो स्टोर्स वाटर क्या करता है, आपके ग्राउंड के अंदर परकोलेट कर जाता है, यानी कि आपकी जो मिट्टी है उसके थ्रू, उसके पोर्स के थ्रू वाटर आपके ग्राउंड के अंदर स्टोर हो जाता है। अब जब भी आपको उस वाटर की नीड है तब आप क्या करेंगे, आप सिंपली आप एक कुआं खोदेंगे, या रॉ आप बोल सकते हैं, रॉ वेल आप वो खोदेंगे, और वहाँ से आप उस वाटर को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका पार सिस्टम। इसके अलावा आप बात करो तो तालाब, तो तालाब हम अपने आसपास देखते हैं कि तालाब दो तरीके के हो सकते हैं। तालाब पहला हम जो आसपास अपने जानते हैं, एक तो नेचुरली बन गया हो, जो कि सॉइल ऐसी कंडीशन हो, वेट वाली कंडीशन, तो आपका तालाब नेचुरली बन जाता है, या फिर हम बात करें मैन मेड तालाब, यानी कि जो इंसान खुद बनाता है। सो देयर वर एंशियंट रिजर्वायर दे कुड बी फाउंड एज अ नेचुरल रिजर्वायर सच एज अ पॉन्ड और कुड बी मैन मेड सच एज लेक्स। तो ठीक है, तो देखिए लेक्स आपके जो कौन से, जो कि मैन मेड हो, जैसे आपके उदयपुर में जो आपके लेक्स है वहाँ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ तालाब का यूज़ क्या है, जो आपका रेन वाटर आएगा वो वहाँ पर ईजिली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक है जोहात। तो जोहात क्या है आपके, दीज वर द स्मॉल अर्दन चेक डैम्स दैट वुड बी कैप्चर एंड कंजर्व रेन वाटर इम्प्रूविंग परकोलेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग जब हम देखेंगे, अगर आपके ग्राउंड वाटर के एरिया में जहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि जो रेन वाटर है उसे आप ग्राउंड वाटर के अंदर ले जाएंगे, और वहाँ उसको और जाएगा कैसे, परकोलेशन से, और इससे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो आपका पानी आया वो ज़मीन पे गिरा, और ज़मीन पे गिरने से वो आपके हर जो एक ग्राउंड वाटर में जाकर स्टोर हो गया। तो वो जो स्टोर होने को ही आप क्या बोलोगे, रिचार्ज होना। ठीक है, अच्छे से अब हम जानेंगे मॉडर्न वेज ऑफ टेक्निक्स और वाटर हार्वेस्टिंग।
तो अब हमारे आगे है मॉडर्न डे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर हमें डैम्स एंड रिजर्वायर पढ़ना है, और हमें पढ़ना है ग्राउंड वाटर डैम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रिप इरीगेशन। देखिए अब ये थोड़ा पढ़ने में हमें दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपको अच्छे से डिक्टेट कर देता हूँ। डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज एंड हाउस होल्ड यूजेस। रिजर्वायर कैन एक्ट टू प्रिवेंट फ्लड्स डाउन स्ट्रीम बाई होल्डिंग एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग मास मेजर फ्लड इवेंट। तो देखिए आपने देखा है आपके गाँव के आसपास भी हम डैम्स देखते हैं, तो अगर हम बात करें हमारे नियरेस्ट सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे गांधी सागर डैम, जो कि मंदसौर ज़िले में है। ठीक है, सो हम देखते हैं डैम्स किस तरीके से, कि एक तरफ वाटर स्टोर कर देते हैं हम, मतलब एक दीवार बना देते हैं हम अल्टीमेटली, आप तो ये समझिए हमने वाटर के रास्ते में एक दीवार बना दी, और यहाँ पर हम बना देते हैं गेट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा वाटर आ गया आपके, तब क्या होगा, ये डैम्स क्या करेंगे, डैम्स कर देंगे इस वाटर को, यहाँ रोक लेंगे। ठीक है, एक लिमिट तक, फिर क्या होगा, जैसे ही डैम की लिमिट कंप्लीट हुई तो डैम क्या करेगा, अपने गेट खोल देगा और धीरे धीरे पानी बाहर छोड़ देगा। सो डैम क्या करेंगे, डैम इस वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे, डैम क्या करेंगे आपके इस वाटर के फ्लो को क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर इसमें, कि जब भी आप डैम के बारे में जानेंगे तो डैम में दो चीज़ें होंगी, डैम का यूजेस क्या होंगे, तो डैम का यूज़ ये होगा कि डैम हमें इरिगेशन पर्पस में काम आएगा, यानी कि आप जब खेती के अंदर एग्रीकल्चर पर्पसेस में आपके डैम का पानी हम यूज़ करेंगे, आपके इंडस्ट्रियल यूज़ में कि इंडस्ट्रीज़ को पानी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, तो आपके डैम से मिलेगा। अगर हम बात करें आपके ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर भी हमें डैम से ही मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें टूरिज़्म, तो आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि अगर डैम्स अच्छे होते हैं, सुंदर डैम्स होते हैं, तो वहाँ पर टूरिज़्म भी, क्योंकि लोग यहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि पानी से ही बिजली बनाई जाती है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पानी से बिजली किस तरीके से बनाई जाती है ये आप लोगों को बाद में पता लगेगा, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बनने वाली बिजली में डैम का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको फर्दर, और हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट देखें तरीका डैम का, तो डैम क्या करेगा, आपके डैम जो फ्लड होती है, जो बाढ़ होती है, उसे ये कंट्रोल कर सकता है। फ्लड कैसे कंट्रोल करेगा डैम, सो हम जानते हैं जैसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर पानी आता है हमारे आसपास, तो क्या करेंगे डैम्स उस वाटर को कंट्रोल कर लेंगे, और जो आपके फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से जो आसपास नुकसान होता है, उससे आपके डैम उसको प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ग्राउंड वाटर डैम्स की बात करें, सो इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल, डैम इज इंस्टीट्यूट ऑफ स्प्रिंग, द वाटर इज सरफेस रिजर्वायर, वाटर इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड। द मेन एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोरेज ग्राउंड वाटर इज दैट वाटर यूजेस ड्यू टू इवेपोरेशन आर मच लेस फॉर द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड। तो देखिए अब क्या होगा ऐसी कंडीशन के, अंडर ग्राउंड वाटर डैम्स कैसे बनेंगे, कि हमारे जो पानी के अंदर ही, मतलब जो ज़मीन के अंदर ही हमने पानी को स्टोर कर लिया, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपके सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर से क्या होगा, सरफेस वाटर में इवेपोरेशन नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर आपका पानी जो उड़ जाता है, वो कंडीशन आपको आपके ग्राउंड वाटर में देखने को नहीं मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, कि जैसे ही आपको जो बारिश का पानी है, तो वो कभी किसी हार्ड सरफेस पर गिरता है, मान लीजिए आपकी छत पर गिरा, तो वो पानी आपकी छत के थ्रू सीधा कहीं वेस्ट के ओर चला जाता है, बट हम उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को हम कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, और उस पानी को स्टोर करके हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं, तो हम उसे अपने पौधों को पानी पिलाने के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं, या हम कुछ आपकी गाड़ियाँ धोने के यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज टेक्निक यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर लैंडस्केप इरीगेशन एंड अदर पर्पसेस। ठीक है,
तो क्या करते हैं आप, पहले उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उस पानी को स्टोर करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन जो आपने अपने आसपास बहुत देखा होगा, इट इज़ अ सिस्टम यूज बाय फार्मर फॉर क्रॉप इरिगेशन इन्वॉल्विंग कंट्रोल डिलीवरी ऑफ वाटर डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल प्लांट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड पाइप्स। तो हम अपने आसपास देखते हैं ड्रिप इरिगेशन क्या सिस्टम होता है, कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल प्लांट के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके हम जैसे आप जो कभी आप बीमार हो जाते हैं कोई, तो आपने देखा होगा उसके इंजेक्शन वो ड्रिप लगाई जाती है, यानी कि बॉटल चढ़ाई जाती है। सेम तरीके से हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं कि प्लांट्स को भी एक एक बूंद बूंद हम उस प्लांट्स को पानी देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी दूसरी जगह वेस्ट नहीं होगा और सीधे प्लांट के ऊपर पानी आपका यूज़ में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ड्रिप इरिगेशन एक अच्छी टेक्निक है फार्मर्स के लिए, जो कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम स्कैरसिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।